नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और जी हाँ, आज हम इस स्पेशल वीडियो में उन लोगों के लिए बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट टीचर बन करके अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो बड़ी बेसब्री से आपका जो मध्य प्रदेश में आपका जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जो शासकीय टीचर बनने के लिए, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एक प्रकार का प्रवेश द्वार है। तो आज हम उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो लो आ गई, बहुत इंतजार के बाद, यानी कि 2020 के बाद ये अवसर आया है, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम संक्षेप में MPTET 3 भी बोल सकते हैं। तो पिछले बार 2020 में हुई थी और अब फिर आ गई है ये 2024 में। तो लगभग 4 वर्ष के अंतराल में ये आई हुई है और निसंदेह रूप से एक अच्छा अवसर है। पता नहीं, शायद ये अवसर आगे मिल पाए या ना मिल पाए, तो एक सुनहरा अवसर है। पूरी तरह से जुड़ जाएं, हम आपके साथ हैं। जो भी छोटी छोटी जानकारियां इस एग्जाम के बारे में हमको प्राप्त होंगी, तो हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। यदि आप उन लोगों में शामिल हैं जो इस तरह के एग्जाम दे रहे हैं, तो यदि पहली बार हो इस चैनल में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या आपका रीवा मास्टर माइंड कोचिंग का एजुकेशनल फ्री यूट्यूब चैनल है, इसमें कोई शुल्क नहीं लेते हैं और तमाम तरह की जानकारियां आपको जो है वो सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन लोग नहीं दे पाएंगे, कौन लोग नहीं दें या नहीं दे सकेंगे ये एग्जाम जो आपका TET MPTET 2024 है। तो इसको हम बताएंगे इस वीडियो में। और हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि मास्टरमाइंड कोचिंग, जब भी ये आपकी वैकेंसी आई हुई है, पात्रता परीक्षा आती है, तो बहुत ही लिमिट बच्चों में अच्छी क्वालिटी के साथ जो है एग्जाम की तैयारी करवाता आया है 31 वर्षों से। शायद हमने पहली बार भी रीवा के अंदर हमीन है जो है इस पात्रता परीक्षा की एग्जाम की तैयारी करवाई थी। तो इस बार भी हम एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। फीस थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, बच्चों की संख्या हमारे पास केवल, हम 50 बच्चे लेकर के चलेंगे और इतने बच्चों के साथ ही हम कोई एक ही बैच संचालित करेंगे, कोई हम दूसरा बैच संचालित नहीं करेंगे। उसकी टाइमिंग हम इस वीडियो में आपको आगे जो है इसमें जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम जो है वो बता देंगे। तो जल्द ही हम MPTET 2024 वर्ग 3 को लेकर के हम ये बैच स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले। तो हम इस वीडियो में ये बताएंगे भी आपको कि कौन लोग नहीं दें और कौन लोग नहीं दे सकेंगे ये MPTET 2024 का एग्जाम। तो इसके पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लें कि महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है आपका और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबकी हम जानकारी देने वाले हैं इसी वीडियो में अभी। तो चलिए हम चलते हैं पहले। तो हम बात कर रहे हैं कि जो इसकी शैक्षिक योग्यता है, जी हाँ, एजुकेशनल आपकी जो पात्रता है, आप जो देना चाहते हैं, तो वो आपकी है 12th पास। तो 12th पास होना आपको आवश्यक है और जहां तक मेरी जानकारी में है कि इसमें आपके न्यूनतम जो है वो 50% नंबर होने चाहिए। यद्यपि इन नंबरों में छूट भी मिलती है जो रिजर्वेशन वाले होते हैं, तो उसकी जानकारी हम आगे देते रहेंगे आपको। अभी डिटेल आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, एक प्रकार से केवल अधिसूचना टाइप की आई है आपकी, तो उससे हमको जो जानकारी मिल रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो आगे चल के जो जानकारी मिलेगी, आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये सब पूरे डिटेल होंगे, तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दूसरा हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान होता है कि हमें कोई जॉब मिल रहा है, तो उस जॉब में जो है सैलरी कितनी होती है। तो हम बता दें यहाँ पे सैलरी आपकी जो है वो 25,300 रुपये प्लस आपको जो महंगाई भत्ता या अन्य भत्ते जो मिलते हैं उनको जिसमें जोड़ दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आयु की, तो आयु इसकी न्यूनतम आयु है 21 वर्ष यदि आप 21 वर्ष के हैं, और अधिकतम आयु आपकी जो है वो 45 वर्ष है,
और गणना कब की जाएगी आईपी, तो गणना की जाएगी आपकी जो न्यू ईयर आ रहा है 1 जनवरी 2025 से। और इसमें रिजर्वेशन वाले जो आपके एसटीएससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके संबंध में एज में क्या छूट है, तो इसका आपको हम जानकारी जो है वो व्यापक नोटिफिकेशन आने पर ही जो है वो दे पाएंगे। अब हम कर रहे हैं कि आवेदन कब से हम भर सकेंगे, माने कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं, हम कब से इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो आपकी जो आवेदन है वो आपका 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन मोड पर, और 15 अक्टूबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है, यानी इस तारीख तक आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और हम और भी जानकारी देंगे आपको, महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, आप इस वीडियो में बने रहें, लगातार बने रहें। और हम बात कर रहे हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा और बता दें कि जनरली क्या होता है, कभी कभी हम त्रुटि कर लेते हैं फॉर्म भरने में, कुछ गलत जानकारियां चली जाती हैं या कोई चीज हमको ऐड करनी होती है, तो इस तरह एडिट कर सकते हैं आप, यानी त्रुटि सुधार कर सकते हैं आप। वो तारीख है आपकी 20 अक्टूबर 2024 तक। तो अगर कोई एडिट करना है आपको अपने फॉर्म में, जो आपने भरी ही जानकारियां उसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ नई चीज जोड़ना है, तो आप 20 अक्टूबर 2024 तक वो ऐड कर सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न इसका आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो तैयार रहें, कंप्यूटर वगैरह आपसे चलाते बनना चाहिए तभी आप ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे, या आपने पहले ऑनलाइन एग्जाम दिया है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, और इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या वो होगी 150, और एक क्वेश्चन आपका जो है वो एक नंबर का होगा। इस तरह से आपके जो कुल मार्क्स हैं इसमें वो है आपके 150। और टाइम कितना दिया जाएगा 150 क्वेश्चन करने के लिए, तो टाइम आपका होगा 2.5 घंटे। जी हाँ, 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे हम बता दें, यदि आप कोई क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो कोई भी नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम लगाने से डरते हैं नेगेटिव मार्किंग होने के कारण से, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपने अंदाज से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, और क्वेश्चन सभी करना है आपको, चाहे हमको तुक्के भी लगाना पड़े, तो तुक्के लगाने की भी रणनीति होती है, हमने इस वीडियो में बताया है, एक वीडियो में हमको, कि तुक्के आप जो है वो किस तरह से लगाएं। ऐसा नहीं कि कोई भी आंसर आपने लगा दिया, तुक्के लगाने के पीछे भी जो है एक विचारधारा होती है, एक इसका सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत का पालन करें तो तुक्के भी ज्यादा सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आगे भी वीडियो बनाएंगे इस तरह से कि किस तरह से लगाएं तुक्का कि सही होने की संभावना है बढ़ जाए। चलिए हम बात कर रहे हैं फीस की। तो जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसकी फीस कितनी है, तो इसकी फीस आपकी जो है 250 रुपया रखी गई है फीस आपकी एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की, और 500 फीस रखी गई है आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या अन्य स्टेट से आते हैं, जो किसी रिजर्वेशन के हकदार नहीं है मध्य प्रदेश में, तो उनके लिए फीस जो है वो 500 रखी गई है। इसमें ऑनलाइन जो जहाँ पे आप फॉर्म करवाएंगे तो उसकी भी कुछ जो है वो फीस होती है, वो फीस इसमें जोड़ दी जाएगी। चलिए हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम सेंटर की। तो इसमें अभी तो फिलहाल आपके एग्जाम सेंटर जो है वो 13 दिखा रहा है, इसमें अपना रीवा जो है वो सम्मिलित है, लेकिन जिस तरह से इसमें फॉर्म भरने की संख्या आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक रिकॉर्ड भी बनाया है बर्गतीन ने कि जब 7.5 लाख इसमें फॉर्म आए हुए थे, तो स्वाभाविक है कि इसके सेंटरों की संख्या जो है वो बढ़ा दी जाएगी। हो सकता है कि जो हर जिला इसका सेंटर हो, और जिले की तहसील स्तर पर भी जहाँ पे कंप्यूटर कॉलेज अवेलेबल है तो वहां पे भी इसके सेंटर हो सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं जो हमने शुरू में बोला कि कौन लोग नहीं दें ये एग्जाम, और कौन लोग नहीं दे पाएंगे ये एग्जाम। तो यहाँ पे हम बता दें, एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आपकी जो पात्रता है ये आजीवन है। तो यदि आपने एक बार एग्जाम निकाल लिया है, आप क्वालिफाइड हो गए हैं, तो फिर दोबारा आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। और 2020 में पात्र हैं, जी हाँ, पिछला एग्जाम 2020 में हुआ था, या इसके पहले भी आपका 2020 मान के चलिए कि 2020 में यदि आपने एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया है, तो आप जो है वो पुनः पात्रता परीक्षा देने की आपको आवश्यकता
नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि आप पे रोक नहीं लगाई गई है, आप ये पद का परीक्षा दे सकते हैं। क्योंकि यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं पिछली पद का परीक्षा में 2020 में जो एग्जाम हुआ था, तो आप नंबर बढ़ाने के लिए, नंबर अपने अपग्रेड करने के लिए ये एग्जाम दे सकते हैं। और हमारी यही राय है कि आप ये एग्जाम, यदि आपके नंबर बढ़ने की स्थिति में है, कम है काफी, लेकिन आप क्वालिफाइड है, तो आप नंबर जो है बढ़ाने के लिए ये एग्जाम दे सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। फिर हम बता दें कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, तो अब भली भांति स्पष्ट है कि जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके पास डीएड की डिग्री नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी जो है वो इस एग्जाम का MPTET 3 का जो है फार्म नहीं भर सकेंगे। तो हमारी ये संक्षिप्त जानकारी है, डिटेल जानकारी के लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, इसका आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका आ जाने दीजिए, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको जानने जो है वो जरूरी होती हैं, तो वो भी बताने का हम प्रयास करेंगे इसी आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। ये आपका रीवा मास्टरमाइंड कोचिंग का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, और इसमें हम वो तमाम जानकारियां जो कंपटीशन संबंधित होती हैं, चाहे आपका नीट हो, नर्सिंग हो, UPSC हो, MPPSC हो, बंडे एग्जाम हो, या इस तरह से आपके जो पात्रता परीक्षा है आपकी, चाहे वर्ग 1 की हो, वर्ग 2 की हो, वर्ग 3 की हो, निरंतर हम आपको जो है वो इस विषय पर अपडेट करते रहते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारा आपका जो एक जानकारियों का आदान प्रदान करना जो है वो बना रहे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, 11 मिनट आपका 41-42 सेकंड का अभी हो गया है, हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप ये एग्जाम निकालें, और यहाँ पे हम ध्यान रख लें कि सिर्फ हमको इसको क्वालिफाई नहीं करना है, बल्कि हमको अधिक से अधिक नंबर लाने के प्रयास करना है, क्योंकि जितने अधिक नंबर होंगे तो उनकी पदों की संख्या सीमित होती है, तो हमारे जो है वो सफलता के अवसर बढ़ जाएंगे। तो कड़ी मेहनत करना है और बिल्कुल हमको निराश नहीं होना है, तो हम तो यही कहेंगे कि ना हो निराश, करें जोरदार प्रयास, ये सुनहरा अवसर है, शायद बाद में ना आए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं RK सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, नमस्कार, धन्यवाद।